राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों की माथापच्ची जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट के दावेदार पार्टियों पर या तो दबाव डाल रहे हैं या फिर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया और भिलवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट की मांग की है। बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ओएसडी और कांग्रेस के युवा नेता लोकेश शर्मा राज्य में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भीलवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर अपने समर्थकों को बुला लिया, जिसके बाद गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया कि टिकटों पर फैसला करते समय पार्टी लोकेश शर्मा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को ध्यान में रखेगी, साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि उनके हितों की रक्षा की जाए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों को किसी युवा चेहरे का समर्थन करना चाहिए। राजस्थान चुनाव पर चर्चा के लिए गौरव गोगोई की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में कांग्रेस के चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिससे बाकी 105 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान लोकेश शर्मा के समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की और समर्थकों ने पूरे जोर शोर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने लोकेश शर्मा को भीलवाड़ा सीट से टिकट देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। लोकेश शर्मा के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे लोगों में भीलवाड़ा के युवा, बुजुर्ग, प्रबुद्धजन सहित विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। लोकेश शर्मा का कहना है कि भीलवाड़ा से कांग्रेस 20 साल से चुनाव नहीं जीत पा रही है, जिससे भीलवाड़ा की दशा और दिशा बिगड़ चुकी है और विकास की गति पूरी तरह से रुक गई है। और जिस तरह से बीजेपी ने क्षेत्रवासियों की मांग को अनदेखा किया है, उससे क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।